हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑसिलेशंस के स्प्रिंग वाले क्वेश्चन लाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर ये आपको समझ में आ गए तो इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है 0.2 kg मास हैंग्स एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन 0.02 kg मोर मास इज एडेड। यहाँ पे मोर मास इज एडेड, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग इट स्ट्रेच 7 cm मोर इफ़ द 0.2 kg मास इज रिमूव। पहले उसमें 0.02 kg ऐड किया तो उससे 7 cm और स्ट्रेच हुआ। 0.2 kg रिमूव किया मास, तब का है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। तो हमें जो गिवन है पहले वो देखते हैं। फोर्स निकालते हैं हम, 2 kg दिए हैं हमें, इससे हमें वैल्यू निकला इसका न्यूटन। ये पता नहीं कैसे आया, 2 kg जो हमें दे रखा था उसका हमने निकाला। फिर एक मिनट, यहाँ पे हमें एक चीज़ करना पड़ेगा। 0. ये नहीं है, हमें 0.2 kg नहीं दिया, 0. मास दिया है हमें 0.02 kg जो स्ट्रिंग से लगा हुआ है। फिर हमें करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन है एम जी जो है और के एक्स, ये दोनों बराबर कह रहा है हमें। एम जी मीन्स वेट ऑफ मास और के एक्स जो फोर्स लग रही है, ठीक है? एम जी डाउनवर्ड लग रही है, तो इस पे हमें इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो मास जो हमें दे रखा है, चलिए के हमें निकालना है इसमें, तो एम जी अपॉन के कर लेते हैं एक्स। तो इसमें एम जी की वैल्यू जो है आई 0.02 इंटू 10 आया और 7 इंटू 10^-2, क्योंकि मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो इससे इसे सॉल्व करके आया जो इसका आंसर वो 20/7 N/m आया। फिर हमें कहा है कि 0.2 kg हमें रिमूव करना है, तब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की फॉर्मूला ये होता है 2π√m/k। तो इस पर हमें वैल्यू पुट करना है, 2π एज इट इज लिखेंगे। मास हमें दिया है 20/7, ठीक है? फिर इसे 2π/7/100 ये मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर हमारा जो इसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर ये इसकी जो वैल्यू आएगी 2.645 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर में। फिर ये 10 आएगा, 100 का 10, ठीक है? इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पाई की वैल्यू रखना है तो 1.66 सेकेंड आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैन स्ट्रेच अटैच टू द टू अ स्प्रिंग बैलेंस हैज़ अ मास ऑफ 1 kg, अ वेट ऑफ 2 kg व्हेन प्लेस्ड ऑन द स्पैन स्ट्रेच द स्प्रिंग बाई 100 cm, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जब वो एम्प्टी होगा पैन। तो इसमें क्वेश्चन एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, समझ लीजिए। इसमें मास दिया हमें 1 kg दिया है जो अटैच है पैन से, और 2 kg है जो स्ट्रेच कर रहा है स्प्रिंग को, और कितना स्ट्रेच किया 10 cm। तब इसे फ्रीक्वेंसी का है ढूंढने, तब इसका जो होगा, इसमें हमें मास दिया है हमें 2 kg, फोर्स निकालते हैं इसमें 2 × 9.8, तो ये हुआ 19.6 न्यूटन। तो ये उसका फोर्स हुआ।
अब डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो हमें फोर्स कांस्टेंट वाली फॉर्मूला लगाना है, जैसा पढ़ रखा है आपने बुक में। फोर्स अपॉन वाई, ये एक था ना, फोर्स इक्वल के एक्स, के वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स हमें कितना मिला, 19.6 न्यूटन, और वाई हमें 0.1। तो इससे सॉल्व करके हमारे पास आया 196 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एम्प्टी के लिए निकालना है। एम्प्टी स्पेन के लिए ये सिंपल जो स्पेन था वो कितना, 1 kg का था। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2 π अंडर रूट के अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता है, इस पर हमें वैल्यू पुट करना है। के हमें नहीं दिया था इसलिए हमने के निकाला पहले, तो 1/2 π, और के की वैल्यू हमें दे रखा है, हमने निकाला 196, और एम की वैल्यू हमें दे रखा है 1। तो आपको पता है 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, 14/1, तो ये यहाँ से कटा, तो 7/π इसका फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, तो इसे हम ऐसे करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है जो ऑसिलेशन है पीरियड की ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड, इसमें मास नहीं दिया हमें, एम बस सपोज करना है, बाय एन आइडियल स्प्रिंग 2 सेकेंड। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें दे रखा है 2 सेकेंड, इफ़ एडिशनल मास ऑफ 2 kg बी सस्पेंडेड द टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाई 1 सेकेंड। इसमें बस सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब हमें पता है कि टाइम पीरियड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होती है हमें फॉर्मूला। फिर हमें इस पे पुट करते हैं वैल्यू, देखते हैं, ये फर्स्ट केस है, हमें टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 2π m के। अब हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा इधर, तो 4 इक्वल यहाँ 4π आएगा, और ये m/k। ठीक है, फिर इससे हमें सॉल्व, ये हमारा, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में हमें 3 दिया है टाइम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें 3 दे रखा है, और 2 हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मास 2 kg ऐड हुआ है। ठीक है, फिर ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पे 9 हो गया, 4π ये नहीं आएगा, m+2 k, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर करना क्या है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा 9/4, वो सारे सेम थे इसलिए कट जाएंगे, फिर ये m। इसके बाद सिंपल आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m की वैल्यू 1.6 kg आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।